एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज गणेश चतुर्थी व्रत है और आज के दिन से ही गणेशोत्सव आरंभ होता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आपको आज की तिथि में व्रत करना चाहिए और 10 दिनों की गणेश जी की पूजा और साधना की प्रक्रिया क्या हो और क्या है इस तिथि का महात्म्य। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है वह गणेश चतुर्थी कहलाती है। भगवान श्री गणेश जो हैं वह विघ्न विनाशक हैं। इन्हें देव समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, प्रथम पूज्य हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मध्याह्न के समय में यानी दिन में इनका गणेश जी का, भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। श्री गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता हैं, अच्छे स्वास्थ्य और व्यापार के देवता हैं। गणेश जी का वाहन जो है वह मूषक यानी चूहा। रिद्धि तथा सिद्धि इनकी दो पत्नियां हैं। इनका सर्वप्रिय भोग जो है वह है मोदक यानी बेसन के लड्डू, इन्हें बहुत प्रिय हैं। इस दिन रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या कलंक लगता है। तो जब आप गणेश चतुर्थी में गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि चंद्रदेव का दर्शन आप उस दिन ना करें। और चतुर्थी में गणेश जी की पूजा करने के बाद जब चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है तो वो नीची निगाहों से देते हैं, चंद्रदेव को देखते नहीं हैं, बिना देखे हुए अर्घ देते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों का ऐसा मत है कि गलती से भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार चतुर्थी की तिथि में चंद्रदेव का दर्शन कर लिया था, जिसके चलते स्यमंतक मणि की चोरी का मिथ्या आरोप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा था। और ऐसा होता क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे शास्त्रों में ऐसा संदर्भ मिलता है कि भगवान गणेश बाल स्वरूप में बाल लीला कर रहे थे, अपने जो उनके वाहन हैं, जो उनके आभूषण हैं, भगवान गणेश भी सर्प धारण करते हैं कुछ स्वरूपों में, उनको ऐसा दर्शाया गया है। और उसके साथ साथ वह अपने सर्प के साथ और अपने मूषक के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते वो बार बार गिर जाते थे, चलते थे फिर गिर जाते थे, मूषक को पकड़ने के लिए दौड़ते थे फिर गिरते थे। तो चंद्रदेव को ये सारी लीला देख करके हंसी आ गई। चंद्रदेव ने भगवान गणेश का अनादर कर दिया, उनका मजाक उड़ा दिया, उनका उपहास कर दिया। भगवान गणेश को गुस्सा आ गया। भगवान गणेश ने चंद्रदेव को उसी दिन श्राप दे दिया कि चतुर्थी तिथि में, क्योंकि वो तिथि तो जो थी वो चतुर्थी की तिथि थी, उसने भगवान गणेश ने कहा कि चतुर्थी की तिथि में जो भी आपका दर्शन कर लेगा उसे कलंक लग जाएगा। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति से जाने अनजाने गलती भी हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जो स्यमंतक मणि की चोरी का की जो कथा है चोरी की, अगर वह कथा सुन लिया जाए या जो उसका मंत्र भागवत में मिलता है अगर उस मंत्र का जाप कर ले तो यह कलंक का जो दोष है वो मिट जाता है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का व्रत आपको करना कैसे चाहिए और ये चतुर्थी से आरंभ करके चतुर्दशी तक यानी अनंत चतुर्दशी तक की जो 10 दिन की गणेश जी की साधना है किस प्रकार आपको ये पूरी करनी चाहिए। चतुर्थी की तिथि में प्रातःकाल आप स्नान आदि करके निर्वृत्त हो जाएं। इसके पश्चात मम सर्व कर्म सिद्धये सिद्धि विनायक पूजा हम करिष्ये, इस मंत्र का आपको उच्चारण करके संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सोने तांबे अथवा मिट्टी के या फिर गोबर से गणेश जी को बना करके, गौर गणेश जिसे कहते हैं गोबर गणेश, वह बना करके उनकी प्रतिमा बनाएं और उनकी स्थापना और पूजन करना चाहिए। गणेश जी की इस प्रतिमा को कोरे कलश में जल भर करके, मुँह पर कोरा कपड़ा बांध करके या मिट्टी का कलश रख करके, ढक्कन रख करके, दीपक रख करके उस पर आप उन्हें स्थापित करें। इसके पश्चात मूर्ति पर सिंदूर चढ़ा करके षोडशोपचार पूजन आपको करना चाहिए और उसके बाद आरती कर लें। आप जब आप आरती कर रहे हो उस दौरान आपको भगवान श्री गणेश की प्रदक्षिणा भी करनी है। आप उनको दक्षिणा अर्पित करें, भोग अर्पित करें और 21 लड्डुओं का भोग आपको गणेश जी को विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रख करके शेष लड्डू आप ब्राह्मणों में वितरित कर दें और वो जो बाकी बचे 5 लड्डू हैं वह आप अपने इष्ट मित्र परिजनों में भोग के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत करने के फल क्या मिलते हैं आइए जानते हैं।
वस्त्र से ढका हुआ कलश, दक्षिणा तथा गणेश प्रतिमा आचार्य को समर्पित करके गणेश जी के विसर्जन का उत्तम विधान बताया गया है। गणेश जी का पूजन करने से बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, विघ्न बाधाओं का भी समूल नाश हो जाता है, उत्तम व्यापार, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश की पूजा स्थापना में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि जब आप अपने घर में भगवान गणपति का आवाहन कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं, तो अपने घर में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चतुर्थी की तिथि पर भगवान गणेश की स्थापना अमूमन हर व्यक्ति अपने घर में करता है, खासतौर पर जो भी दक्षिण भारतीय या महाराष्ट्रीय मान्यता वाले लोग हैं वह तो अपने घर में करते ही हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इस संबंध में कई नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों के अनुसार भगवान श्री गणेश की स्थापना व पूजन प्रतिदिन करें और कुछ सावधानियों को ध्यान में रखें तो भगवान श्री गणेश आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं और आपको मनोवांछित फल देते हैं। यह नियम और सावधानियां बहुत आवश्यक हैं जो किसी भी गणेश भक्त को, किसी भी साधक को ध्यान रखनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, गणेश जी की पूजा का जो समय होता है वह सायंकाल का होता है। अगर आप सायंकाल में पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो इस बात से तात्पर्य ये लेना चाहिए कि प्रातःकाल तो आपको पूजा करनी ही है, और जब आपने देवता को आमंत्रित और स्थापित किया है, उनकी स्थापना की है, तो संध्या काल में भी वहाँ पर पूजा आरती जरूर होनी चाहिए, संभव हो जाए तो भोग इत्यादि भी करना चाहिए। दूसरा नियम, भगवान श्री गणेश की रोज सुबह शाम आपको आरती करनी है, वहां पर दीपक लगाना है और भोग आपको दोनों समय अर्पित करना चाहिए। तीसरा नियम, धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री गणेश को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, इससे दोष लगता है। हम लोगों ने पहले भी बात ये की हुई है कि किस देवता को क्या अर्पित करना चाहिए, तो गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करते, इस बात का आप ध्यान विशेष तौर पर रखिए। चौथा नियम है, चतुर्थ नियम, श्री गणेश की स्थापना अपने घर के ईशान कोण में आप करें, यानी उत्तर पूर्व का जो कोना है यदि आप वहां स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है, जिसे ईशान कोण कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। स्थापना इस प्रकार से करें कि गणेश जी की मूर्ति का मुख जो है वह पश्चिम दिशा की ओर रहे, यानी जब आप भगवान गणेश को वहां बैठा दें तो उनको इस प्रकार से बैठाएं कि वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस करते हो, यानी पूर्व दिशा में आपको गणेश जी को बैठाना है और उत्तर पूर्व का कोना होना चाहिए। अब पांचवा नियम, स्थापना स्थल पर मृतात्माओं का चित्र ना हो, ये बात ध्यान रखिए, इसमें जो भी व्यक्ति पूजा करता है उससे दोष का भागी बनना पड़ता है। छठवां नियम है, स्थापना स्थल के ऊपर कोई कबाड़ ना हो, उसके ऊपर की जगह पे कोई वजनी चीज़ें ना रखी हो, और उस स्थान को बहुत ज़्यादा गंदा ना रखा गया हो, उस स्थान में पहले कहीं कोई स्टोर जैसी चीज़ ना हो, वहाँ पर कोई भी इस तरीके की गंदी चीज़ें ना हो, जो भी स्थान हो बहुत साफ सुथरा, स्वच्छ हो और पवित्र हो, उस जगह पर आपको भगवान गणेश की स्थापना करनी है। सातवां नियम है, भगवान गणेश जी को दूर्वा व ताजे पुष्प चढ़ाएं तो ज़्यादा उत्तम होता है, वो आपकी किसी भी प्रकार की साधना के लिए सर्वोत्तम होगा। ताज़े दूर्वा, ताज़े पुष्प लेकर के आइए, ताज़े फल मिष्ठान लाइए, वो आप भोग लगाइए। आठवां नियम है, स्थापना स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें, जैसे जूते चप्पल पहन करके वहाँ स्थापना स्थल तक कोई जाए ना, चमड़े के बेल्ट या पर्स अमूमन हम लोग रखते हैं, और हम लोग जनरली गलती यही करते हैं कि वह पहन करके वहाँ मंदिर तक चले जाते हैं। तो खासतौर पर जब आप देवता की स्थापना कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा आपने करा रखी है 10 दिनों के लिए, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इवन जो हम लोग घड़ी पहनते हैं हाथ में, अगर उसमें भी चमड़े की बेल्ट होती है तो वो भी उतार करके आपको मंदिर में जाना चाहिए। नौवां नियम है, स्थापना के बाद श्री गणेश जी की प्रतिमा को बार बार इधर उधर हिलाना नहीं चाहिए। एक बार जब कोई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, स्थापित हो जाती है, तो उनका स्थल वही होता है, बार बार उन्हें हिलाना नहीं चाहिए। दसवां नियम है, स्थापना स्थल के समीप बैठ करके किसी धर्म ग्रंथ का पाठ आप अगर रोज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसमें बेहतर काम आप ये कर सकते हैं कि आप गणेश चतुर्थशीष का पाठ वहाँ रोज करें, या गणेश चालीसा का पाठ अगर आप सुबह शाम करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है।
ग्यारहवां नियम है, पूजन के उपरांत चतुर्थी की तिथि में नीची नजर से चंद्रमा चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए, और जब आप अर्घ दे लें, ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे करके आप ब्राह्मणों को विदा करें। नीची नजर से चंद्रमा को अर्घ देने का तात्पर्य है कि जहां तक संभव हो इस दिन यानी भाद्रपद की चतुर्थी को या किसी भी चतुर्थी की तिथि में चंद्रदेव के दर्शन नहीं करने चाहिए। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से व्यक्ति को कलंक का भागी बनना पड़ता है। यदि सावधानी बरतने के बावजूद भी चंद्र दर्शन हो ही जाए तो फिर स्यमंतक मणि की जो कथा थी वह श्रवण कर लेने से, सुन लेने से उस दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं, वह प्रभाव आपके ऊपर से मिट जाता है। और भागवत में इससे जुड़ा हुआ एक मंत्र भी दिया हुआ है, उस मंत्र के बारे में भी हम लोगों ने पहले चर्चा की है। उस मंत्र का जाप करने से भी इस तरीके के जो कलंक लगने होते हैं उससे आपकी सुरक्षा हो जाती है। तो ये था गणेश चतुर्थी के लिए आज का हमारा खास उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय गजानन। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।